तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पे। तो पहले हम छठे राउंड की मतगणना जो है आपको बता देते हैं। लखनपाल कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक इंद्र लखनपाल को 2903 वोट मिले और माया शर्मा को 1486 वोट, संजीव शर्मा को 1134 वोट। टोटल मत पड़े छठे राउंड में 15929 जो कि लखनपाल जी को मिले और माया शर्मा जी को 10149 वोट और संजीव शर्मा को 5827 वोट जो है छठे राउंड में प्राप्त हुए। वहीं पांचवें राउंड की आपको जानकारी दे देते हैं। पांचवें राउंड में माया शर्मा को 994 वोट मिले, लखनपाल जी को 2286 वोट, संजीव शर्मा को 1072 वोट मिले थे। इसमें से जो है टोटल मतों की बात की जाए तो 8065 वोट माया शर्मा ने प्राप्त किए, लखनपाल जी ने 13026 वोट, जबकि संजीव शर्मा ने पांचवें राउंड में 4300 वोट जो है प्राप्त किए थे, जबकि छठे राउंड में जो है इनके मत लखनपाल जी ने 2903 मत प्राप्त किए और माया ने 1486, संजीव ने 1134। टोटल मत जो मिले लखनपाल जी को 15929 मत मिले हैं, 10149 मत माया शर्मा को, 5827 मत जो है संजीव शर्मा को मिले हैं। तो ये थी आपके पास हमने जानकारी रखी पांचवें और छठे राउंड की, जहां पर जो है भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में जो है मतों को लेकर जो गणना हुई किस किस को कितने मत मिले, जबकि फिलहाल एक बार फिर बढ़त बनाए रखे हुए हैं। अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल जी, छठे राउंड की जो है मतगणना भी हो चुकी है। अभी बाकी राउंड की भी मतगणना आएगी तो हम आपके बीच में फिर रखेंगे कि किसको किसको कितने मत मिले। अंतिम समय में ही पता लगेगा कि कौन से विधायक यहां से बाजी मारेंगे। और बाकी विधानसभा की बात की जाए तो कहीं कहीं पे भी रुझान जो है आने वाले हैं, जहां पर जो है कुछ सीटें जो है अभी लगभग तय है कि जो है जीत गई है पार्टी। कहीं बीजेपी विधायक जीते हैं, कहीं कांग्रेस के विधायक जो है लगभग जीत की कगार पे खड़े हैं। तो कुछ एक सीटों पर लगातार छठे राउंड तक जो भाजपा के प्रत्याशी जो है बढ़त बनाए रखे हैं, कहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी। तो लगभग आंकड़ा जो है एग्जिट पोल का वो भी कहीं ना कहीं जो है कहीं इनके नज़दीक जो दिखता नहीं रहा है, जो बड़े बड़े चैनलों ने या जो भी लोगों ने अपने अपने एग्जिट पोल रखे थे। लेकिन अभी जो है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो सीटें हैं 38 के आसपास बताई जा रही हैं अभी, और जो है भाजपा की सीटों की बात की जाए तो वो अभी 32-35 के आसपास बताई जा रही हैं। लेकिन अभी तो मतगणना जारी है, अभी आने वाले समय में ही पता लगेगा कुछ समय में कि किसकी सरकार बनेगी। तो बहरहाल जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बीच में ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे और ताज़ा तरीन अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।